करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिलीवरी की, कि किस तरीके से हमें डिलीवर होता है। तो ये हमें डिलीवर होता है एक नॉर्मल से कार्टन बॉक्स में डिलीवर होता है हमें। अब बात कर लेते हैं इसके लेंथ और विड्थ की। तो गाइज इसकी जो लेंथ है वो है 125 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 45 सेंटीमीटर। तो गाइज ये कुछ इस तरीके से हमें डिलीवर होता है, ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का हमें ये मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है हमें इसके ब्रांड की ब्रांडिंग और यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। यहाँ पे मेंशन है 2 ईयर गारंटी एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है। लुक एट दिस, जैसे कि मैं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको बता चुकी हूँ, तो इसकी जो हाइट है वो एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप, इतने तरीके के हुक्स बने हुए हैं। तो जैसे ही आप अपने हुक को यहाँ को इसको यहाँ पे फिट करते हो तो ये सबसे ज़्यादा अपनी हाइएस्ट ऊँचाई ले लेता है और यहाँ पर करने पर ही अपनी सबसे ज़्यादा लोएस्ट हाइट पर रहता है। यहाँ पे आपको इसको हैंडल करने के लिए एक इस तरीके का हैंडल बना होता है जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट को। बात करते हैं इनके लेग्स की। तो लेग्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्टडी हैं। यहाँ पे आपको सिलिकॉन की रबड़ मिल जाती है जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी रहते हैं, बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। सर्फेस पर मैं इसे रखूँ तो बिल्कुल भी ये इसके लेग्स जो है नहीं मूव करते हैं, ये देख सकते हो। चारों तरफ काफ़ी अच्छी ग्रिप बनी होती है इसकी और ये पूरा जो बना हुआ है ये पूरा मेटल से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर भी है इसका, ये मुझसे इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है एंड इनके लेग्स की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके अपर बॉडी की। तो ये इसमें जो आपको कवर मिल जाता है, यहाँ पे आपका लगा होता है हीट रेजिस्टेंस कवर और यहाँ पे आपको इस तरीके से लेयरिंग मिल जाती है, देख सकते हो ये इसमें कवर लगा हुआ है। यहाँ पे जाली जाली सी है नेट की, इस तरीके से देख सकते हो, और ये इसके ऊपर व्हाइट कवर लगा हुआ है। ये कवर एक ऐसा कवर है जिसको आप गंदा होने के बाद इसे वॉश भी कर सकते हो, इसे इजीली मशीन में वॉश किया जा सकता है। आपको ये वॉश नहीं करना है ये पोर्शन, बट आप इसे ऊपर के कवर को वॉश कर सकते हो। और बात कर लेते हैं इसके पूरे डिज़ाइन की। तो मुझे ये पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है अपने आयरन को रखने के लिए। या तो आप गारमेंट स्टीमर यूज़ कर रहे हो या फिर आप एक नॉर्मल स्टीम आयरन यूज़ कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो इजली। काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिल जाता है। यहाँ पे ये सिलिकॉन के रबर्स लगे हुए हैं जिससे कि हमारा आयरन वगैरह जो होता है वो स्लिप नहीं करता बिल्कुल भी, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें इसमें मिल जाता है। और बात करें टेबल की, तो आपको ये टेबल काफ़ी बड़ा टेबल मिल जाता है। इसमें आपको एक साड़ी भी आयरन करनी हो तो ईजिली पूरी साड़ी आपकी एक बार में ही आयरन हो जाती है। विथ में आपको बार बार इसे उधर से इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साड़ी एक बार में पूरी चौड़ाई इसमें आ जाती है। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। तो प्रॉज में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है तो इसमें मुझे कपड़े बहुत ही जल्दी आयरन हो जाते हैं। या तो मैं गारमेंट स्टीमर इस पर यूज़ करूँ या फिर मैं कोई आयरन स्टीमर स्टीम आयरन भी यूज़ करूँ, दोनों तरीके का आयरन इसमें हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसका वेट जो है वो है 2.5 kg। तो इस वजह से इसके जो लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी हैं, ईजिली आयरन करने में आपका ये जो टेबल है बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। यू कैन सी दिस, ज़्यादा कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आयरनिंग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो मुझे ऐसा कोई कॉन्स इसमें नज़र नहीं आया, ये पूरा टेबल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और प्राइस के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड किया और ऐसे ही दीवार में लगा के आप इसे रख सकते हो, और चाहो तो आप इसे ओपन करके भी रख सकते हो और बंद करके रखने में ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है। तो ये देखा गाइस आपने इस प्रोडक्ट की डिटेल। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके प्राइस, यूज़र रेटिंग और इसके वारंटी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसको मैंने बाय किया है गाइस अमेजोन से और इसकी प्राइस है 2,200 रुपये। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। और बात कर लेते हैं इसके वारंटी की और गारंटी की। तो इसमें हमें मिल जाती है 2 साल की गारंटी जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी समय तक सेफ रहता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके यूज़र रेटिंग की। तो मैं इसे दूंगी 4.5 star out of 5 क्योंकि ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगा है, स्टडी भी है और मेरे